नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनवार सरिया मुख्य मार्ग के गंगापुर के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान केंदवा पंचायत के चेचायडी निवासी वाजिद अंसारी, उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद नासरी अंसारी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सरिया धनवार मुख्य मार्ग के गंगापुर के पास रोड जाम कर दिया। मौके पर माले नेता कयूम अंसारी, मोहम्मद सागिर, वीरेंद्र यादव आदि की अगुवाई में सड़क को जाम में डटे हुए थे। इस दौरान लोगों ने मुआवजा ब्रेकर की मांग करने लगे। इधर घटना की सूचना मिलते ही धनवार थाना प्रभारी नगेंद्र कुमार, पर्सन प्रभारी अशोक कुमार, सीआई धनंजय कुमार, बीपीआरओ प्रदीप अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां परिजनों को न्याय उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा देते हुए रोड जाम हटाने में सफल रहे। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वाजिद अपने घर से धनवार जा रहे थे। इसी क्रम में गंगापुर के पास कोयला लदा ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही वाजिद की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने भाग रहे ट्रक को खदेड़कर दुल्हो के पास पकड़ा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे धनवार बीडीओ रामगोपाल पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर दुख जताए तथा परिजनों की मांग पर सरकारी सहायता प्रावधान के अनुसार देने की बात कह तथा समझा बुझा कर जाम हटाया। कॉलेज के सामने आज एक्सीडेंट हो गया, इसमें 17-18 साल का एक छोटा का बच्चा था, उसका स्पॉट डेथ हो गया। गाड़ी लोगों के द्वारा पकड़ ली गई है और यहाँ जितने भी लोग थे अगल बगल के, उनका मांग था कि गाड़ी बहुत स्पीडली यहाँ चलता है और यहाँ 2-3 ब्रेकर देने की ज़रूरत है। हम लोग के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जिस चीज़ स्पॉट को चिन्हित करके देंगे, हम लोग प्रयास करके यहाँ पे ब्रेकर की व्यवस्था करेंगे। बाकी जो भी प्रशासन की तरफ से जो सहायता मुहैया कराई जाती है, उसको हम लोग अविलंब दिलाने का प्रयास। वी टाइम न्यूज़ के लिए राजधनवार से प्रदीप मोदी की रिपोर्ट।